Welcome to my YouTube channel Banker 7 and my name is Preeti Tiwari. In this video I'm going to tell you how to solve flat and floor based puzzle, and this is our type 5 of 0 to hero series. This is our last part of this type of puzzle, so stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए। आज के सेशन में दो पजल रखे हैं बट दोनों इम्पॉर्टेंट है। एक वेकेंट फ्लैट वाली है, ठीक है, और सेकेंड वाली भी अच्छे लेवल की पजल है, SBI PO IBPS PO लेवल की पजल है, ठीक है। ओके, पहले कौन सी करें, वेकेंट वाली कर लेंगे, ठीक है, रीड करते हैं। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are staying on 5 different floors of 5 story building where the lower most is number 1 and so on. ठीक है, देखो 5 floor है, total person कितने हैं, 8 है, ठीक है, तो और बता दिया इन्होंने lower most floor 1 है, तो हम आगे बना लेंगे, 5 floor है, 5 तक बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है। दो flat है, क्या बोला है, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, हाईलाइट करके लिखा है, देखो ए बी, तो देखो टोटल पर्सन तो है 8 है, पर हमारे पास टोटल प्लेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 प्लेसेस, मतलब कि दो प्लेस ऐसी हैं जो कि वेकेंट है और पर्सन 8 ही है सिर्फ, ठीक है, ठीक है। टू प्लेसेस वी हैव वेकेंट एंड 8 पर्सन है जिन्हें हमें सेट करना है। नोट 3 में एरिया एरिया कौन नापने बैठेगा पजल में, नोट 4 नोट 5 पढ़ते हैं, ठीक है, नोट 5 है हमारे मतलब कुछ हाईलाइटेड है। इफ द वेकेंट फ्लैट इन फ्लैट ए इज एन ऑड नंबर फ्लोर देन द वेकेंट फ्लैट इन फ्लैट बी इज एन इवन नंबर फ्लोर एंड वाइस वर्सा। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें जो है ना ए में वेकेंट फ्लैट जो है 5 नंबर पे है तो बी में जो है ना वेकेंट फ्लैट 4 में होगा, इवन में होगा, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, इवन में होना चाहिए, ठीक है, इवन में होगा हमारा, ठीक है, और अगर इसमें इवन में है तो इसमें ऑड में होगा, समझ रहे हो, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ए में वेकेंट में है, ठीक है, देखो अगर फ्लैट ए में कोई फ्लोर वेकेंट में है, अगर इवन में है वो, तो फ्लैट बी में जो फ्लोर होगा ना, वेकेंट फ्लोर जो होगा वो ऑड पे होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एस टीज on an odd number floor of flat A and stays below B, both are staying in different type of flat, ठीक है। Three floors are between B and P, T stays two floors above P's flat, no one stays immediately above T's flat, the number of floor between P and W is two less than the number of floor between R and U, who stays below R? अच्छा, W and P are staying in the same type of flat. Q stays on one of the floor above S but not immediately above the vacant flat. ठीक है, देखो ये सेट करते हैं, ये लाइन पहले तो समझो क्या लिखा है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन P एंड W इज टू लेस देन द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन R एंड U. R और U के बीच में जितने भी फ्लोर्स है ना वो दो ज्यादा हैं जितने भी P और U W के बीच में, इसमें माइनस टू का फंडा, इसमें प्लस टू का फंडा, समझो कैसे, R और U के बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं P और W से ज्यादा है। अब इन्होंने लिखा क्या है स्टेटमेंट में कि P और W के बीच में जितने भी फ्लोर्स हैं वो R और U से दो कम है, तो यही तो मैंने भी बोला है, देखो कि R और U के फ्लोर बीच में जितने भी फ्लोर्स होंगे वो P और W से दो ज्यादा होंगे, ये भी तो हम बोल सकते हैं ना। अगर इनके बीच में दो फ्लोर हैं तो इनके बीच में एक भी फ्लोर का गैप नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, ये एडजेसेंट में होने चाहिए। अगर इनके बीच में तीन का है गैप तो 3 - 2 इनके बीच में एक फ्लोर का गैप हो जाएगा। अगर इनके बीच में दो का गैप है
दो फ्लोर का गैप है तो 2+2 इनके बीच में कितने का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए। इनके बीच में अगर 4 का गैप है तो 4-2 इनके बीच में 2 होना चाहिए। इनके बीच में 5 फ्लोर्स का गैप है तो 5-2 इनके बीच में 3 का होना चाहिए। इनके बीच में अगर 4 का गैप है तो 4+2 इनके बीच में 6 का होना चाहिए। समझ आए? समझ आए? बनाना स्टार्ट करें, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे समझ आएगा। ठीक है, ठीक है। हमें पता था कि ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा 1 है। देखो ए जो है वेस्ट में है, बी की ए बी ऐसा लिख सकती हूँ ना मैं। मैंने पार्ट वन में आपको ये डायरेक्शन का भी समझाया था, जो वेस्ट में है तो यहाँ आएगा, डायरेक्शन ऐसे पूरे बना के दिखाई थी आपको। जिसने नहीं देखा वो पार्ट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। कि ए वेस्ट में है तो ए इस साइड रहेगा, बी इस साइड। आप डायरेक्शन में पढ़ते हो ना, रीजनिंग में वेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5 दो पॉसिबिलिटीज मिनिमम बना के ही चलनी है प्री लेवल पजल में। एक अगर देखोगे तो टाइम नहीं सेव हो पाएगा आपका, फिर एक ही में अज्यूम करते रहना, ठीक है। तो दो तो आपको बनानी पड़ेंगी। चलो देखो क्या लिखा है। एस स्टेज ऑन ऑड नंबर फ्लोर ऑफ फ्लैट ए एंड स्टेज बिलो वी। अच्छा, एस जो है फ्लैट ए में है और ऑड नंबर फ्लोर में है, इतना हमें पता है। फ्लैट ए में है मतलब एस यहाँ है, ऑड नंबर फ्लोर में है मतलब 5-3-1 में होगा। पर इन्होंने एक हिंट दे दिया कि बिलो वी है, वी के नीचे है तो एस यहाँ नहीं आ सकता। एस के लिए ये जगह है और या तो फिर ये जगह है, ठीक। एंड बोथ आर स्टेइंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट। अच्छा, एस और वी, वी एस के नीचे तो है पर ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में। अगर एस ए में है तो वी यहाँ होगा भाई, इस जगह होगा या इस जगह होगा। क्यों? क्योंकि एस वी के नीचे है तो वी को हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा। डॉट पा दिए मैंने, अब इसमें वी यहाँ कहीं हो सकता है, ठीक है। आगे रीड करते हैं वरना तो ऐसे हम बहुत सारी कंडीशन बन जाएगी ना वी को सेट करने लगे। आगे देखते हैं। 3 फ्लोर्स बिटवीन वी एंड पी, वी और पी के बीच में 3 फ्लोर्स का गैप है। तो देखो वी को अगर मैं यहाँ सेट करती हूँ 1, 2, 3, पी सेट हो पाएगा हमारा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वी यहाँ ही आएगा। 1, 2, 3, अब पी यहाँ कहीं आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। सेम वी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। देख लो, चेक कर लो, 1, 2, 3 कहाँ आएगा? यही जगह है, सिर्फ डिफरेंट फ्लैट में है तो इसीलिए अलग अलग फ्लैट में रखा। अब देखो इसमें हम पी को सेट कर सकते हैं, 1, 2, 3, पी यहाँ। क्यों? क्योंकि एस यहाँ बैठा है, हम पी को कहाँ बिठाएंगे? और पी के लिए तो यही जगह है ना सिर्फ, ठीक है। क्या बोला है? टी स्टेज 2 फ्लोर अबव पी फ्लैट। अच्छा, टी जो है ना पी के फ्लैट से 2 फ्लैट ऊपर है, पी के फ्लैट से 2 फ्लैट ऊपर है, ठीक है, मतलब 2 फ्लोर ऊपर है। देखो पी यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। पी यहाँ आएगा एक छोड़ के टी यहाँ ही आएगा, 2 फ्लोर अबव है ना, एक छोड़ के टी यहाँ, या तो फिर पी यहाँ आएगा तब भी एक छोड़ के टी यहाँ। तो टी को सेट कर सकती हूँ मैं इस कंडीशन में, कर लेते हैं। इसमें एक छोड़ के टी यहाँ आ सकते हैं और या तो फिर एक छोड़ के टी यहाँ भी आ सकता है। 2 है इसमें तो कोई बात नहीं। क्या लिखा है? आगे बढ़ते हैं। नो वन स्टेज इमीडिएटली अबव टी फ्लैट। टी के फ्लैट से के ऊपर कोई भी फ्लैट मतलब कोई भी नहीं है, मतलब ये वेकेंट होगा फिर, है ना। अब देखो ये हमें पता लग जाना चाहिए वेकेंट देख के। अगर बी का वेकेंट जो है इवन नंबर पे है तो ए का वेकेंट जो होगा वो ऑड नंबर पे होगा। उन्होंने नोट पे लिख रखा है, नोट 5 में, है ना। तो इसका मतलब वेकेंट इसमें ये होगा या तो फिर ये होगा। ये तो ऐसा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखो अगर मैं टी को यहाँ सेट करूंगी तो वेकेंट यहाँ आएगा, टी को यहाँ तो वेकेंट यहाँ। इसको होल्ड पे रखते हैं अभी, ठीक है। आगे मैं आगे रीड करते हैं क्या लिखा है। द नंबर ऑफ फ्लोर बी पी एंड डब्ल्यू इज 2 लेस देन। अच्छा, डब्ल्यू एंड पी आर स्टेइंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अच्छा, डब्ल्यू और पी जो है ना सेम टाइप के फ्लैट में है, ओके, ठीक है। डब्ल्यू और पी को सेट कर सकते हैं। देखो डब्ल्यू और पी सेम फ्लैट में है
देखो अगर W के लिए तीन जगह दिख रही है आपको इस वाली कंडीशन में, W के लिए तीन जगह है ना, देखो W अगर मैंने यहाँ रखा, ये दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अगर रफ यहाँ पे करूँ तो ये दिखेगा। ठीक है, देखो अगर मैं क्या बोला था मैंने, ये कंडीशन आपको पहले समझाइए कि P और W के बीच में जितने भी हैं वो दो कम है जितने भी R और U के बीच में है, तो W को यहाँ रखूंगी मैं, तो P और W के बीच में देखना कितने फ्लोर्स हो रहे हैं, दो फ्लोर्स हो रहे हैं, तो ऐसे तो R और U के बीच में हमें चार फ्लोर्स का गैप चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो देखो हम कहीं भी चार फ्लोर्स का गैप ले सकते हैं, इस R यहाँ भी रखेंगे तब भी तीन आएंगे, चार तो नहीं होएंगे, चार फ्लोर, पाँच तो टोटली फ्लोर है हमारे पास, तो मिनिमम जो पॉसिबिलिटी भी बनेगी वो तो तीन की ही बनेगी ना, तीन की ही बनेगी हमारे पास, है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं W के लिए ये जगह है और ये जगह है, तो W को अगर मैंने यहाँ रख भी दिया, ठीक है यहाँ रख दिया, तो P और W के बीच में एक है, कितने पर्सन है, एक, तो R और U के बीच में कितने होने चाहिए, वन प्लस टू थ्री होने चाहिए। देखो W को मैंने अगर यहाँ रख दिया तो R और U के बीच में कितने होने चाहिए, तीन, तो R और U जो है हमारे कहाँ सेट हो सकते हैं, यही जगह दिख रही है R, वन टू थ्री, U फिर भी नहीं हो पाएगा, देख लो U फिर भी नहीं हो पाएगा ऐसे बैठा है यहाँ पे, इसका मतलब W यहाँ ही आएगा हमारा, W कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला था, ये वाला अब हम यहाँ कर लेते हैं, W एंड P आर स्टेइंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, अब क्या वह R और U वाली कर सकते हैं सेट, P और W के बीच में एक भी फ्लोर का गैप नहीं है, मतलब R और U के बीच में कितना होना चाहिए, दो का होना चाहिए, और ये भी लिखा है U who stays below R, R के नीचे है U, तो R दो छोड़ के U सिर्फ यही आ सकता है, इतना सेट। अब देखो आगे वाली कंडीशन देखते हैं, अभी हमें T को भी सेट करना है। ठीक है, Q stay on one of the floor above S, Q जो है इसके एक फ्लोर अबव है, और मैंने कल ही एक पजल में समझाया, जब एक फ्लोर अबव है तो मतलब उसके इमीडिएट अबव होगा, किसी भी फ्लैट में होगा पर उसके इमीडिएट अबव में होगा, तो S के ऊपर तो देखो दोनों ही प्लेसेस भर चुकी है, तो Q कहाँ सेट करेंगे हम, Q कहाँ सेट करेंगे, नहीं हो पाएगा ना क्रॉस। ठीक है, अब P, अब यहाँ पर देखते हैं, देखो P को सेट करने से पहले हम यहाँ पे देखो जो जो कंडीशन जिस जिस में हो रहा है ना उस वैसे वैसे करते चलो। ठीक है, देखो क्या बोला, क्यू स्टे वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, तो क्यों यहाँ नहीं आ सकता, अब क्यों के लिए यही जगह तो बच रही है सिर्फ, है ना यही, तो अब हमें क्या सेट करना है यहाँ पे, क्यों बट नॉट इमीडिएट, अच्छा हाँ ये वेकेंट में है, ये भी ध्यान रखना है हमें कि इसका वेकेंट इवन में है, इवन में है तो ए का जो वेकेंट होगा वो ऑड में होगा, तो ये दो जगह है ऑड में। ठीक है, टी स्टेज टू फ्लोर अबव, डब्ल्यू और पी जो है ना वो सेम टाइप ऑफ फ्लैट में है, देखो पी के लिए ये जगह है और या तो फिर ये जगह है। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि P और W के बीच में हम एक ले सकते हैं या तो फिर दो ले सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि टोटल फ्लोर ही हमारे पास पाँच है, अगर मैंने P और W के बीच में तीन ले लिया तो थ्री प्लस टू R और U के बीच में मुझे पाँच फ्लोर का डिफरेंस लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, P और W के बीच में हमें एक लेना होगा या तो दो लेना होगा। ठीक है, देखो P को यहाँ रखा मैंने, और या तो फिर एक भी नहीं, ठीक है या तो फिर एक भी नहीं, ये भी है, P को यहाँ रखा मैंने तो एक छोड़कर W यहाँ आना चाहिए, नहीं आ सकता, आ सकता है, नहीं आ सकता ना। ठीक है, अब एक केस ये भी बनता है कि P को यहाँ रखा तो W को यहाँ रख दे, एक भी फ्लोर का गैप नहीं है, ठीक है एक भी फ्लोर का गैप नहीं है, पर R और U के बीच में हमें दो फ्लोर का तो गैप चाहिए, चाहिए ना, तो P यहाँ आ गया, W यहाँ आ गया, R और U कहाँ सेट करेंगे, कहाँ है ही नहीं जगह जो दो फ्लोर छोड़ के R और U कर दें। देखो एक ये जगह है, ये तो वेकेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें इवन है तो ये ऑड में हो जाएगा वेकेंट, आर और यू के लिए ये जगह बचेगी जो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पी यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, आर यहाँ, दो छोड़ के यू यहाँ, क्योंकि आर जो है यू के नीचे है और वेकेंट यहाँ पर हो जाएगा, समझ आया, क्लियर हुआ, आर वी क्यू वेकेंट एस टी यू डब्ल्यू वेकेंट पी, क्लियर है। एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है,
बन जाएगा। सेकंड वाला करें, 10 persons O P Q R S T U V W and X are living in two different flats, flat A and flat B of 5 story building. आज के सेशन में मैंने इसीलिए 5 floors वाली पजल रखी है, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा आपका स्ट्रांग हो जाए, मतलब बेसिक जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूँ, ठीक है। इस बस ये वाला मतलब आज जो है फ्लैट एंड फ्लोर का ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद ना हम वो करेंगे मंथ विद डेट वाली, ठीक है, फिर हम करेंगे मंथ विद डेट वाली पजल, ठीक है, डेट डाटा क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, मंथ विद डेट वाली, और उसके बाद हम करेंगे वो डेजिग्नेशन बेस्ड, कैसे डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, ठीक है। आप ना और भी मुझे कमेंट कर देना कि मैं वैसे इन दोनों टाइप्स को वो करके हमें लगता है हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा ये फाउंडेशन बैच आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू टाइप्स हमारा कवर हो जाएगा, है ना। इन दो टाइप को कवर करके शायद हमारा फाउंडेशन बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे और तो कुछ नहीं पजल में पता, मतलब पजल मुझे और कुछ नहीं लग रहा कि और भी कुछ हमारा मिसिंग हो रहा है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी कि कोई टाइप हमारा रह ना जाए। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कमेंट करके बता दें कि और भी कोई टाइप है तो, ठीक है, क्योंकि बॉक्स हो गया हमारा, सिटिंग हो गया हमारा, फ्लोर एंड फ्लैट हो गया हमारा, ठीक है, मंथ विद डेट और डेजिग्नेशन बेस्ड, आई थिंक यही बचता है। और देखो बॉक्स में ये मत बोलना कि हाँ भाई डे बेस्ड रह गया, तो नहीं, डे वाला शायद मैंने कंप्लीट करा दिया, और शायद नहीं, मेरे को लग रहा है, मुझे कंफर्म है आई थिंक कि मैंने संडे मंडे वो वाला जो है करा दिया, और नहीं भी कराया होगा तो फिर ये भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, ये तो सबसे इजीएस्ट है वैसे, बट एज दिस इज फाउंडेशन बैच सो दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू कवर ईच एंड एवरी टाइप, ठीक है। आज वैसे मैं चेक करती हूँ कितने टाइप रह गए हैं हमारे, है ना, वो मंथ विद डेट वाला जो होगा ना, मंथ विद डेट वो ईयर बेस्ड वाला, ईयर बेस्ड वाला भी ले लेंगे ना, उसमें उसमें ही कवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं, 10 persons O P Q R S T U V W and X are living in two different flats, flat A and flat B of 5 story building, but not in the same order, flat A is to the west of flat B, the lower most is number 1 and so on, ठीक है, lower most का ही हमें कि पता लगाना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो A जो है west में है B के। अगर आपको doubt है कि west में कैसे है, तो देखो ये direction में हम पढ़ते हैं ना कि A, अरे sorry A क्यों लिख रहा हूँ, north ये साउथ होता है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, ठीक है, तो इस साइड क्या है हमारा वेस्ट और इस साइड क्या है हमारा ईस्ट, ठीक है। और एक बार ना मुझे ये कमेंट करके बताना कि ना और भी कुछ फाउंडेशन के लिए चाहिए आपको, तो वो भी करवा देंगे। और इसके बाद RRB PO और या तो फिर क्लर्क वाली, RRB PO और क्लर्क दोनों की मतलब सीरीज एक चालू कर देंगे, है ना। S lives two floor above you in different flats. Only one floor is between S and R, who lives in the flat immediately above X. Q lives three floor above, below T, who lives on the same floor as R. Both Q and S are living in the same flat as T. As many person live above S as below P, X live on the same floor as the one who lives in the same flat as O. More than one floor is between O and B. W does not live in flat B. Okay, देखो देखो इसमें ये वाली लाइन देखो, मतलब एज मेनी पर्सन लिव अबव एस एज बिलो पी, एस के ऊपर जितने हैं ना पी के नीचे भी उतने ही फ्लोर्स हैं। एस अगर किसी एंड में है तो पी भी एंड में होगा, एस के ऊपर एक फ्लोर है तो पी के नीचे भी एक होगा, एस के ऊपर दो फ्लोर हैं तो पी के नीचे भी दो होंगे, इसके ऊपर तीन है तो इसके नीचे भी तीन होंगे, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। देखो इसके ना इस टाइप की पजल के दो मतलब दो वो हैं, दो तरीके हैं मतलब करने के, ठीक है। एक तो है कि हम लोग मतलब ये कर लें कि 1, 2, 3, 4, 5 हम ऐसे फ्लैट बना लें, ठीक है,
क्योंकि देखो हमें कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है. हिंट का मतलब ये है कि कभी हमें ये बता देते हैं ये फ्लैट ए में है तो ओ में या बी में है. देखो ये ऐसे बनाए हम, और फिर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे. मैंने क्या बोला है, सबसे ज़्यादा जिसके बीच में सबसे ज़्यादा फ्लोर्स का गैप होना, फ्लैट एंड फ्लोर वाले में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्लोर का जिसमें भी गैप होना उससे पजल स्टार्ट करनी है. फ्लैट एंड फ्लोर में, फ्लैट एंड फ्लोर का हर फ्लोर बेस्ड पजल में सबसे ज़्यादा फ्लोर का गैप हो तो ये हमें ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा फ्लोर का गैप किसमें. क्यू लिस्ट थ्री फ्लोर्स बिलो टी, क्यू जो है टी के थ्री फ्लोर्स बिलो है. तो देखो हमें तो टी भी नहीं पता क्यू भी नहीं पता कहाँ आ सकता है, तो ये कंडीशन बन सकती है टी यहाँ वन टू थ्री, क्यू यहाँ कहीं, टी यहाँ वन टू थ्री, क्यू यहाँ कहीं, हो सकता है. तो ये चार कंडीशन बनी, टी वन टू थ्री, क्यू यहाँ आ सकता है, टी वन टू थ्री, क्यू यहाँ. इससे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, टी वन टू थ्री क्यू यहाँ, वन टू थ्री क्यू, इससे दो कंडीशन बनी, चार कंडीशन. सेकेंड अब ये भी तो हो सकता है कि टी यहाँ वन टू थ्री क्यू यहाँ, टी यहाँ वन टू थ्री क्यू यहाँ, इससे दो बनी. फिर से टी वन टू थ्री क्यू, वन टू थ्री क्यू, इससे दो बनी. अगर हम ऐसे पजल बनाने लगे तब तो फिर सारा टाइम इसी पजल में लग जाएगा, सब तो फिर सारा टाइम इसी पजल में लग जाएगा. टोटल हमारी एट पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी. ऐसी टाइप की पजल में क्या किया करो ना, ऐसे फ्लोर्स और फ्लैट बनाने का झंझट ही नहीं है. हम अपने दिमाग में ये मतलब ऐसा ए और बी, ईस्ट और वेस्ट, इतना तो आप दिमाग में ले ही सकते हो ना, ए और बी ऐसे कि ये ए फ्लैट है ये बी फ्लैट है, बस इतना ले लेना है. देखो अब कैसे करते हैं, एक कंडीशन यहाँ बनेगी, एक कंडीशन यहाँ बनेगी, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है देखो, विजिबल है ना अच्छे से, विजिबल है. देखो क्या बोल रहे हैं, एस लिव्स टू फ्लोर अबव यू बट इन डिफरेंट फ्लैट्स. ठीक है, एस जो है टू फ्लोर्स अबव यू है पर डिफरेंट फ्लैट्स में है. ठीक है, वन फ्लोर है एस और आर के बीच में, हु लिव्स इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव एक्स. देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये देखो एक कंडीशन मतलब एक हिंट और है आर से रिलेटेड. क्या देखो, आर और एस, उसके बाद एस लिव्स टू फ्लोर अबव यू, और ये भी बोला है कि टी जो है ना हु लिव्स इन द सेम फ्लोर एज आर, आर के सेम फ्लोर में टी है. अच्छा ये पता है ना कि ये फ्लोर होता है ये वाला टी आर, ये जो होते हैं ना फोर थ्री टू, ये हमारे फ्लोर होते हैं. और अगर फ्लैट बोलेंगे तो ऐसे में, फ्लैट बोलेंगे तो ऐसे में देखना है, फ्लोर बोलेंगे तो ये सेम फ्लोर पर है. मतलब अगर टी फोर्थ में है तो आर भी फोर्थ में होगा. ठीक है, ठीक है देखो क्या बोला है, वन फ्लोर है एस और आर के बीच में, आर हु लिव इन द फ्लैट इमीडिएटली अबव एक्स, आर जो है एक्स के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लैट में. तो देखो आर और एक्स को तो हम सेट कर सकते हैं ना, आर यहाँ एक्स यहाँ, हो सकता है ऐसे ऐसे कर दो. पर ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि आर बी फ्लैट में हो, ये भी तो हो सकती है. तो आर को एक जगह इस साइड ले लेते हैं ए फ्लैट में, और आर को एक जगह इस साइड ले लेते हैं, और एक्स को यहाँ और यहाँ यहाँ. अब टी सेम फ्लोर पर है तो मतलब टी यहाँ और टी यहाँ. इतना समझ आया? ठीक है, इतना समझ आया. जैसा जैसा बोल देंगे वैसा वैसा करते जाएंगे. एस और आर के बीच में एक का गैप है, और ये भी हमें पता है कि एस जो है ना, एस लिव्स टू फ्लोर अबव यू, एस लिव्स टू फ्लोर अबव यू बट इन डिफरेंट फ्लैट, बट इन डिफरेंट फ्लैट. मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, या तो फिर एक कंडीशन बनती है हमारी ऐसे होगा, है ना. डिफरेंट फ्लैट में तो ऐसे ही होगा ना, एक कंडीशन ये बनेगी या तो फिर एक बनेगी, ये बनेगी. अच्छा देखो, अब एक छोड़ के एस अगर इन फ्लैट में रखते हैं, एक छोड़ के एस अगर मैंने यहाँ रखा चाहे यहाँ रखा, यू को सेट कर पाएंगे क्या कहीं? देखो यू को सेट कर पाएंगे कहीं? एक छोड़ के एस अगर मैंने ऊपर से रखा तो यहाँ आर बैठा यहाँ टी बैठा है, नहीं हो पाएगा. हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. ठीक है, इसका मतलब हम नीचे बनाते हैं क्या, एस बनाते हैं. एस यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा. अब एस लिव्स टू फ्लोर अबव यू, तो अबव यू मतलब यू कहाँ होगा? यू नीचे है ना फ्लोर, यू नीचे है, तो मतलब और ऐसे बन जाएगा. देखो क्लियर है इतना? किसी को कोई भी डाउट होगा ना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगी. ठीक है, आर
एक छोड़ के एस यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यू नहीं सेट कर पाते, यू हमें किसी ना किसी फ्लैट में तो चाहिए ना, वो डिफरेंट फ्लैट में चाहिए, पर कोई तो जगह खाली होनी चाहिए, है ना। अब एस हमने सोचा कि हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ कहीं आएगा, है ना, आएगा ना, और यू उसके नीचे आएगा क्योंकि एस जो है यू के ऊपर है, तो यू उसके हिसाब से नीचे आएगा। अब देखो इसमें कितने फ्लोर्स बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम ये दे सकते हैं इनको नंबरिंग, और इस फ्लैट को हम दे देते हैं ए फ्लैट, ठीक है, और इसको दे देते हैं बी, बस एज सिंपल एज दैट। अब इसमें देखते हैं, एक छोड़ के एस अगर फिर से मैं ऊपर रखूंगी तो यू नहीं सेट हो पाएगा हमारा, इसका मतलब एस जो है इसका ही फ्लोर पर आ जाएगा और एक छोड़ के यू जो है हमारा यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक वैसे, आ रहा है समझ। अब इसमें भी 5 बन गए, हम दे सकते हैं फ्लैट्स को नाम, ए बी 1, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, ठीक है, मेंशन है वहां पे, ठीक है। अब हम एस और यू अभी नहीं सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी आप लोगों को अभी मतलब डाउट होगा कि एस यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों लिया, इसीलिए एस और यू हमने नहीं लिया। हमें इतना पता है एस यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, कहीं भी आ सकता है एस यहाँ, यू यहाँ, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये वाला सेट करते हैं, क्यू लिव्स 3 फ्लोर बिलो टी हु लिव्स इन द सेम फ्लोर एज आर। क्यू जो है 3 फ्लोर्स बिलो टी है हमारा, क्यू जो है कहाँ है, लिव्स 3 फ्लोर बिलो टी, ठीक है, as many person x lives in the same floor as o more than one floor s and r who lives in the jit। अच्छा q lives 3 floor below t, तो 1, 2, 3 q यहाँ ही आएगा हमारा, इसमें भी देखो ये भी बोला है कि बोथ Q एंड S आर लिविंग इन द सेम फ्लैट, Q और S जो है ना सेम फ्लैट एस टी, बोथ Q एंड S आर लिविंग सेम फ्लैट एस टी, तभी पहले से कंडीशंस नहीं बनानी चाहिए। देखो हमें हिंट मिल गया, बोथ Q एंड S आर लिविंग इन द सेम फ्लैट एस टी, मतलब S यहाँ ही है टी के फ्लैट में, S यहाँ ही है हमारा, ठीक है। अब देखो हम इसको ये कनेक्ट कर सकते हैं कि जितने पर्सन एज मेनी पर्सन लिव अबव S एज बिलो P, एस के ऊपर जितने हैं पी के नीचे भी उतने ही होंगे, एस के ऊपर 2 फ्लोर है पी के नीचे भी 2 होंगे, तो पी कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ 2 फ्लोर आ गए, एस के नीचे ऊपर सॉरी 2 फ्लोर, पी के नीचे भी 2 फ्लोर, ठीक है। क्यू भी टी के फ्लैट में है, तो क्यू यहाँ, ठीक है, क्लियर। इतना एक्स लिव ऑन द सेम, अब क्या बचा, यू बचा ना अभी हमारा, हाँ यू भी सेट करना है, ओके। ये वाली देखते हैं, H lives on the same floor as the one who lives in the same flat as O. O के same flat में जो भी है ना, O के, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, देखो, अच्छा हाँ ये क्या बोल रहे थे, first line में देखो, S lives 2 floor above you but in different flat, तो different flat में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S B में है तो U A में हो जाएगा, S A में है तो U B में हो जाएगा, हो गया सेट। अब क्या बोले, X जो है, X के बारे में बोला था, अच्छा नहीं पहले हम ये सेट कर देते हैं, W does not live in flat B, W B में नहीं है, W A में है, तो मतलब W यहाँ पर, W B में नहीं है तो W A में है, तो W यहाँ कहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, W यहाँ या तो फिर यहाँ। तो देखो एक कंडीशन ये देखो क्या लिखा है, X वाली को भी होल्ड पे रखो, मोर देन वन फ्लोर है O और V के बीच में, O और V के बीच में एक से ज़्यादा फ्लोर है, मतलब मिनिमम 2 तो होंगे ना। देखो अगर हमने W को यहाँ, O और B के लिए देखो यही है, W को यहाँ रखा तो O और B कहाँ आएंगे, O और B तो, क्योंकि हमें W को रखना A ही फ्लैट में है, B में नहीं है वो, B में नहीं है वो, A में ही है, तो O W यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, उसके हिसाब से O और B कहाँ सेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो एक छोड़ के भी हमें यहाँ ही रखना पड़ेगा, बट एक का नहीं है, मिनिमम क्या बोला है, मोर देन वन फ्लोर, मतलब मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, कंडीशन गलत। अब देखो ओ और भी यहाँ ही आएंगे, ओ यहाँ या तो फिर भी यहाँ, ओ यहाँ भी यहाँ, उसके ऊपर वाली लाइन रीड करो, एक्स लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज द वन हु लिव्स इन द सेम फ्लैट एज ओ, मतलब
एक्स सेम फ्लोर पर है उस पर्सन के जो ओ के सेम फ्लैट में है, जो पर्सन ओ के सेम फ्लैट में है, जो पर्सन ओ के सेम फ्लैट में है उसमें एक्स उस फ्लोर पर एक्स है, उस फ्लोर पर एक्स है, जो पर्सन ओ के सेम फ्लैट में है उसके फ्लोर में एक्स है। तो मतलब ओ हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ओ उस एक्स उस पर्सन के साथ है जो ओ के सेम फ्लैट में है, वो ओ के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ओ यहाँ वी यहाँ बन गई पजल। आर टी एक्स वी पी एस डब्ल्यू क्यू यू ओ, ठीक है बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है और यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स। ठीक है मैं ना आज देखती हूँ कि अगर आज या कल में मैं फ्लैट एंड फ्लोर वाली ना पजल की पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।